हेलो एवरीवन, दिस इज संजीव कुमार फ्रॉम एमडीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लायत। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर। आज हम इस वीडियो में उसका थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, रैशनल नंबर क्या होते हैं, कहां से ओरिजिनेट हुए हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ ए रैशनल नंबर। देखो भाई, सबसे पहले क्या होता है, रियल नंबर होता है। हमारा जो नंबर सिस्टम है वो टू टाइप्स में डिवाइड होता है, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जो रियल नंबर आगे दो फिर दो पार्ट में डिवाइड है, रैशनल और इरेशनल। लेकिन जो अपने चैप्टर का नाम रैशनल है, तो देखो आगे रैशनल भी दो पार्ट में डिवाइड होता है भाई, इंटीजर और फ्रैक्शनल। इंटीजर में अपने होल नंबर, नेचुरल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर आएंगे। और जो फ्रैक्शनल होता है, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सब आते हैं भाई इसमें। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। अब देखो जैसे इंटीजर है भाई, जो इंटीजर है, इंटीजर कहां, देखो 0, 1, 2 से इनफाइनाइट प्लस तक, और -1, -2 ये -इनफिनिटी तक, जो सारी वैल्यू हैं वो क्या होती हैं, इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद नेचुरल नंबर आपको पता है 1, 2, 3, 4, ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 वो नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3 ऐसे प्लस में सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। उसके बाद होल नंबर, अगर 0 भी ऐड हो जाए इसमें तो ये सारे क्या है, होल नंबर है। ठीक है, उसके बाद ओड नंबर, ओड नंबर का आप लोगों को पता ही है, जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती, दी नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ओड नंबर, और जो 2 से होती हैं वो इवन नंबर है भाई, ऐसे। ठीक है, उसके बाद है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ 1 से और खुद से ही डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 एंड सो। ठीक है, प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, 2। सबसे छोटा ओड नंबर क्या है, 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1। सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 0। ठीक है, और उसके बाद है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हों। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 है भाई, जो 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, और 4 से भी होता है, तो उसके 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, उसके बाद 6, 8, 9, 10 ऐसे चलेगा, ये आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो अपना जो चैप्टर है वो रैशनल नंबर के रिगार्डिंग है, तब हम आज रैशनल नंबर की बात करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, रफ कॉपी साथ में लेके बैठे हैं। उसके बाद है भाई आपका रैशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटन इन पी बाय क्यू फॉर्म। देखो रैशनल नंबर, जो नंबर p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसको क्या बोल देंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा भाई इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे 7/4, 0/2, -3/7, -9/9, 1/4, 6/-2, ये सभी क्या हैं, रैशनल नंबर के एग्जांपल है। पी बाय क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए, जो नीचे ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 ना हो, उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद है भाई, अच्छा देखो जो मैंने p बाय क्यू फॉर्म लिखी है, इसमें p क्या है, न्यूमिरेटर, और क्यू क्या है, डेनोमिनेटर, ये भी आप अच्छे से याद रखें। और उसके बाद है भाई, अब हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, एडिशन की। इसमें हमारा फर्स्ट है भाई
एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। तो इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी में सबसे पहले है भाई आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या रहेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है? ये कहती है सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन के केस में रेशनल नंबर के, वो क्या बोलती है? अगर हम दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? रेशनल नंबर। ठीक है भाई, ये ऐसे है अगर a बाई बी एंड c बाई डी, ये क्या है? रेशनल नंबर है। अगर ये दोनों रेशनल नंबर हैं और हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तब भी क्या मिलेगा? रेशनल नंबर। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन के बारे में बात करती है। ठीक है, उसके बाद है भाई अपना जो क्लोजर प्रॉपर्टी ये है a प्लस बी प्लस सी बाई डी, ये रैशनल नंबर। उसके बाद है भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? देखो, वो बोलती है जब हम टू रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो जो अपना रिजल्ट है वो क्या आएगा? सेम आएगा, रैशनल नंबर आएगा। जब हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई, जैसे देखो a बाय बी प्लस सी बाय डी, ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, या मैं c by d प्लस a by b को ऐड करूं तो दोनों में रिजल्ट क्या है? सेम है। ठीक है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये ट्रू होती है रैशनल नंबर के केस में। ठीक है भाई, तो जो ये टू रैशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। ठीक है भाई, तो ये जो रिजल्ट रहेगा अपना क्या रहेगा? सेम रैशनल नंबर ही आएगा, ऑर्डर में चाहे किसी में ऐड। ठीक है, जैसे 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 4 है, इसको ऐड करो या 3 बाय 4 में 1 बाय 2 ऐड करो, जो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? रैशनल नंबर। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है भाई अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप एक बार इसको नोट डाउन कर ले अगर कुछ नोट डाउन करना है। उसके बाद है भाई नंबर थ्री प्रॉपर्टी है अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की, वो क्या बोलती है? थ्री और मोर रैशनल नंबर कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर टू फाइंड देयर सम, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव। जो एडिशन होता है वो क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। मैंने आप लोगों को बोला था जो रैशनल नंबर के केस में अगर हम उनका ऑर्डर चेंज करने के बाद अगर उनको एड कर रहे हैं तो जो एंड रिजल्ट है वो रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको एक फॉर्म में लिख रहा हूं भाई, a by b plus c by d plus e by f, इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूं? a by b plus c by d plus e by f। इसका हम अपनी तरफ से एग्जांपल दे सकते हैं भाई, इसको 1 by 2 plus 3 by 4 plus 5 by 6। देखो a by b c by d और e by f की मैंने वैल्यू रखी है, और इस तरफ a by b 1 by 2 plus 3 by 4 plus 5 by 6, ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा।
ठीक है, जो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के केस में रैशनल नंबर की, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें मैं एक छोटी सी बात और ऐड कर रहा हूं भाई, देखो जीरो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो क्या है, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है अगर कोई रैशनल नंबर है मैं उसमें जीरो ऐड करूं या जीरो में मैं कोई रैशनल नंबर ऐड करूं तो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कहने का मतलब है अगर मैं जीरो को किसी रैशनल नंबर में ऐड कर रहा हूं तो उस रैशनल नंबर पे जो उसकी वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे 5/6 में जीरो ऐड करो या जीरो में 5/6 ऐड करो, आना क्या है 5/6। तो जो जीरो है उसको क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी रैशनल नंबर के केस। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन की रैशनल नंबर के केस में। उसके बाद है भाई सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। जो डिफरेंस है इज ऑलवेज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर मैं a बाई बी में से c बाई डी सब्ट्रैक्ट करूं तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, रैशनल नंबर। एग्जाम्पल है 1/2 में से 7/4 माइनस करें तो जो नंबर आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा। जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये डिफरेंस सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, तो ये बोलती है डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। और जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्लोज होता है अंडर सब्ट्रैक्शन। देखो भाई जो क्लोजर प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन की हमेशा ट्रू होती है इंटीजर के केस में, लेकिन जो इट डज नॉट होल्ड फॉर नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, नेचुरल नंबर के और होल नंबर के केस में ये होल्ड नहीं करती भाई, ठीक है। उसके बाद भाई नंबर दो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो भाई a बाय बी माइनस सी बाय डी इज नॉट इक्वल टू सी बाय डी माइनस ए बाय बी। इसका मतलब है जो सब्ट्रैक्शन है इज नॉट कॉम्यूटेटिव। जो एडिशन के केस में तो था लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं है। जैसे मैं 6/4 माइनस 7/2 लिख रहा हूं, ये नॉट इक्वल आएगा भाई 7/2 माइनस 6/4 के। आप इसको चेक करके देख सकते हैं, ये दोनों रैशनल नंबर तो आ रहे हैं घटाने के बाद लेकिन इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद है भाई हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है
प्रॉपर्टी है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। इसमें क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं भाई, a by b minus c by d minus e by f is not equal to a by b minus c by d minus e by f। ठीक है भाई, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में क्या ये लागू नहीं होती भाई, यानी कि जो सब्ट्रैक्शन है ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, ये एडिशन के केस में तो था लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं है। क्यों? अगर मैं ये a by b minus c by d minus e by f रखूं, ये हमेशा नॉट इक्वल मिलेगा a by b minus c by d minus e by f के। ठीक है, आप अपनी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई, आप इसको चेक कर सकते हैं, 2/9 minus 6/4, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है भाई, ये अपनी तरफ से इज नॉट इक्वल टू 1/2 माइनस ये 2/9 माइनस 6/4। तो जब इन रैशनल नंबर को आप जब सोल्व करेंगे तो ये नॉट इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये था भाई आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के केस में। ठीक है, उसके बाद है भाई आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अब हम जैसे मैंने एडिशन के केस में जीरो की बात की थी, अब हम सब्ट्रैक्शन के केस में जीरो की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं भाई सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो देखो भाई, अगर कोई रैशनल नंबर है, अगर उसमें से हम जीरो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, रैशनल नंबर ही आता है। इफ वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम ए रैशनल नंबर देन वी गेट रैशनल नंबर। हम एग्जांपल दे सकते हैं भाई, जैसे 2/3 में से अगर मैंने 0 माइनस किया तो अपना जो एंड रिजल्ट है वो 2/3 ही है। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है 0 की। अगर रैशनल नंबर में से हम 0 को माइनस कर रहे हैं तो हमारा जो एंड रिजल्ट है वो क्या आएगा, रैशनल नंबर। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। That's all from today's videos point of view. आज मैंने अपनी जो ये फर्स्ट चैप्टर की जो ये वीडियो थी, इसमें मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी बताई है रैशनल नंबर की। जो अपनी नेक्स्ट वीडियोज हैं हम उनमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की भी बात करेंगे, मल्टीप्लीकेटिव एडिटिव इनवर्स के क्वेश्चन भी निकालेंगे, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे भी शो करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।